अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू कबूतर एनी टाइम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अमीर रज़ा। और जैसे कि आपको मालूम है, सर्दियों का मौसम है और इस सर्दी में कबूतरों को कौन सा दाना इस्तेमाल करवाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक सिंपल सा दाना है, आपको वो लेना है और इस्तेमाल करवाना है। आपके कोई कबूतर आपका सुस्त नहीं होगा, मतलब ठंड नहीं मानेगा। और मेरी नीचे एक वीडियो और मैंने बना के डाली है पानी की, गर्म पानी की, वो पानी आपको इस्तेमाल करवाना है और ये दाना इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह आपके कबूतर कभी सर्दी नहीं मानेंगे और बढ़िया रहेंगे, फूलेंगे भी नहीं। ठीक है, माल करिए, आपके कबूतर बढ़िया रहेंगे। चलिए तो मैं दिखाता हूँ आपको वो आपको दाना कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बाजरा बोलते हैं इसको, फिल्टर बाजरा है ये, फिल्टर बाजरा। आपको ये फिल्टर बाजरा लेना है और फिल्टर बाजरा आपको लेना है ये, और मैं बताता हूँ आपको और क्या लेना है। और यह है मेरे भाइयों, यह है लैटा, सरसों बोलते हैं इसको, सरसों, लैटा सरसों, और आपको ये लेना है, सरसों लेनी है आपको। ये हमारे यहाँ लैटा बोलते हैं, ये सरसों है, ये आपको लेनी है, देख लें आप सही से। ये लेनी है सरसों आपको, और आपको लेना है गेगला, ये हमारे यहाँ गेगला बोलते हैं इसको, सरसों से जैसा ही रहता है, ये भी कुछ मोटा दाना रहता है, तो आपको ये लेना है, तीन दाना लेना है आपको, और वो गेहूं में आपको मिलाना है। ठीक है, ये है, देख लें आप सही से, गेगला बोलते हैं इसको, गेगला हमारे यहाँ। ठीक है, ये तीन दाने लेने हैं और इसको गेहूं में मिलाना है आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कितना कितना लेना है। 10 किलो आपको गेहूं लेना है, ठीक है, 10 किलो आपको गेहूं लेना है, और 5 किलो आपको बाजरा लेना है इसमें, और 2.5 किलो आपको ये गेगला लेना है आपको, गेगला, और 3 किलो आपको ये सरसों लेनी है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। इन सबको मिला लेना है और मिला के आप अपने कबूतरों को खिलाएं, इंशाल्लाह आपके कबूतर कभी ठंड नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये सब दाना आपको मिला लें, सब दाने को मिला लें आप ये और इस्तेमाल करें, सब मिला लें और आप खिला सकते हैं। वैसे आप खाली सरसों भी खिलाएं सर्दी में, तो बहुत गर्म दाना है सरसों, देख सकते हैं, कबूतर भी बहुत शौक से खाएंगे। आ आ देखिए, बहुत शौक से खाएंगे कबूतर इस दाने को, बहुत शौक से खाते हैं इस दाने को, सरसों को, ठंड नहीं मानेगा कोई भी कबूतर आपका। आ आ तो इसी तरह आप इस्तेमाल करें इस दाने को, इंशाल्लाह आपके कबूतर कभी नहीं फूलेंगे और ठंड नहीं मानेंगे। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाई।